रांची में एक और मरीज और उसके परिजन खून की कमी को लेकर परेशान है। वहीं दूसरी ओर रांची में रक्तदान करने वाले संस्था ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रक्तदान करने वाली संस्था कनेक्टिंग होप और अनदान नामक संस्था ने रिम्स ब्लड बैंक के चिकित्सक डॉक्टर चंद्रभूषण पर रक्तदान करने वालों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बैठक कर सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का आरोप लगाया गया। ब्लड बैंक के पदाधिकारी ने भी डॉक्टर पर लापरवाही और अवहेलना करने का आरोप लगाया है। रिम्स निदेशक ने भी डॉक्टर चंद्रभूषण से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। कनेक्टिंग होम्स के प्रतिनिधि से बात की है हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण ने। सबसे बड़े ब्लड बैंक रिम्स को रक्त की आपूर्ति रक्तदान संस्थाओं के द्वारा जो रक्तदान शिविर लगाया जाता है उससे उपलब्ध होता है, लेकिन राजधानी रांची के कई बड़े रक्तदान संस्थान के जो लोग हैं उन्होंने रिम्स प्रबंधन को रिम्स ब्लड बैंक को रक्त देने से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हमारे साथ कनेक्टिंग होप्स के प्रमुख रंजन हैं और रंजन से बात करते हैं कि रंजन, आप जैसे युवा और आप जैसे सामाजिक संगठन के लोग अगर रक्तदान से मना कर देंगे तो यहाँ के मरीजों का कैसे क्या होगा? हम लोग कभी भी रक्तदान से लेते कहीं मना नहीं किए, लेकिन यहाँ पे एक एसआर आए हुए न्यू डॉक्टर चंद्रभूषण जिनके बिहेवियर के कारण यहाँ पे हमारे साथ जितने भी संस्था जुड़े हुए सभी ने यहाँ ब्लड देने से हाथ खड़े कर लिए। रीज़न क्या है, यहाँ पे आए हुए अटेंडेंट के साथ उनके वो मिसबिहेव करते हैं और मिसबिहेव के साथ साथ बहुत सारे डेडिकेशन करते हैं जिससे उनको 2-3 घंटा रुकना पड़ता है। और ये हम ही नहीं, एक यहाँ पे ब्लड बैंक की जो इंचार्ज है डॉक्टर सुषमा मैम, उन्होंने भी ये डायरेक्टर सर को लिख कर दिया है कि वो यहाँ पे मतलब अपने ड्रेस कोड में नहीं रहते, सभी के साथ मिसबिहेव करते हैं, बहुत तरह का एडिकेशन लगाया गया फिर भी उन पर डायरेक्टर सर ने कुछ एक्शन नहीं लिया, यहाँ जाने किनके दबाव के कारण। और अभी तक इनको मतलब 7 तारीख को ही दिया गया था 24 घंटे में कि उनको जवाब देने का लेटर निकला डायरेक्टर सर के पास से, लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया गया। पिछले कई वर्षों से आप लोग लगातार रिम्स ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी होती है उसकी आपूर्ति करते हैं। 30 अक्टूबर का ये बात है, 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक हम लोग का हाथ मतलब पूरी तरह से शांत है। पूरा रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से शांत है, किसी तरह कोई हाव भाव कुछ एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग का 6 कैंप कैंसिल हो सका डॉक्टर चंद्रभूषण के कारण, नहीं तो अभी तक 100 से 150 यूनिट रिम्स ब्लड बैंक को अपना ब्लड मिल जाता। अभी रिम्स में स्टॉक है मात्र 128 यूनिट, यह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर चंद्रभूषण के कारण। मरीजों को काफ़ी समस्या होगी लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, एक मानव सेवा है। थैलेसीमिया पेशेंट उसको भी ब्लड ले लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं जबरदस्ती का ब्लड, तो ऐसे नहीं ना होता है। रांची में यह संस्था जो है वो काफी मात्रा में रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्त इकट्ठा करता है और रिम्स ब्लड बैंक को आपूर्ति करता है। फिलहाल संस्था के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। योगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।